हाँ जी गाइस, तो गाइस डिक्सी गुरुद्वारे का नहीं हो पाया है क्योंकि पहले मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और मैं गलत बसों में बैठ रहा हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। और जो बस आनी है डिक्सी गुरुद्वारे की थोड़ी लेट है, और पहले यहाँ 3 बजने वाले हैं शाम के, तो 1 घंटे में बस आएगी, तो 4 बज जाएंगे तो वैसे अंधेरा हो जाता है 5-6 बजे तक। तो अभी मैं डिक्सी गुरुद्वारे नहीं जा रहा हूँ, एंड अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया मार्ट। मैं पहुँच चुका हूँ, अपने घर के आसपास ही हूँ मैं। और जिसको भी प्रेस्टो कार्ड लेना है वो अपने नियरेस्ट, अगर आप नए हो यहाँ पर, अगर आपको प्रेस्टो कार्ड चाहिए ट्रैवल और कम्यूट करने के लिए, तो आपको नियरेस्ट शॉपर्स ड्रग मार्केट में जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको कहीं भी मिल जाएगा, मुझे औरों का नहीं पता कि और कहाँ मिलता है, बट शॉपर्स में आपको पक्का मिल जाते हैं इंडिया मार्केट। और वहाँ से थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं और फिर अपने घर वापस चलते हैं। फ्रोजन नान आपको मिल जाएंगे, देख रहे हो, फ्रोजन नान है। और ये देखो तंदूरी नान फ्रोजन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये देखो ये है रोटी, रुमाली रोटी मिल जाएगी आपको, एंड पराठे भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो मेथी के पराठे, एंड दिस वन आलू प्याज के पराठे, ये देखो गोभी का पराठा। तो पराठे सारे मिल जाएंगे आपको, और अचार वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द प्लेस वेर यू कैन गेट इंडियन ग्रॉसरी, ऑलमोस्ट ऑल द ग्रॉसरीज यू कैन गेट। और बाकी दही ये सब मिल जाएगी आपको, दही वगैरह मिल जाएगा, दूध ये सब मिल जाएगा। ये देखो फ्लेवर दही भी मिल जाएगी, ये देखो एग्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, मुझे भी थोड़े एग्स लेने हैं। एंड ये जूस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन ये रहा। एंड दिस इज समोसा, फ्रोजन है सारे ये, और जो पराठे दिखाए थे नान दिखाए थे वो सब फ्रोजन है। ये देखो मीट बॉल्स, रोल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, दही वड़ा सब फ्रोजन आपको मिल जाएगा यहाँ पर इंडिया बाज़ार में। ये देखो, ये देखो दही के कबाब वो भी मिल जाएंगे आपको, स्प्रिंग रोल, भिंडी वगैरह भी मिल जाएगी, दही वड़ा भी मिल जाएगा। प्राइजेज़ मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो तसल्ली से आपको प्राइजेस दिखाऊँगा। ये देखो पनीर बाइट्स भी मिल जाएंगे आपको, मतलब पनीर पकौड़े। और ये देखो फ्रोज़न मोमोज, फ्रोज़न मोमोज भी मिलेंगे आपको। एंड वॉट इज़ दिस यार, ऑल्ड एज क्रिस्पी आपको यहाँ पे फ्रोज़न चिली पोटैटो भी मिल जाएंगे, एंड दिस इज़ कॉर्न एंड ऑल यू नो, मटर वगैरह भी आपको फ्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द सेक्शन वेर यू कैन गेट पॉपकॉर्न, बर्गर वगैरह भी मिल जाएगा फ्रोजन आपको, पैटीज़ भी है, ये देखो पैटीज़ भी मिल जाएगी। एंड
थोड़ा ये बीफ कबाब वगैरह है यहाँ पर, और ये सारा आई थिंक चिकन का आइटम है सारा। ये देखो सारा ब्रेड, चिकन बर्गर्स, पंजाबी समोसा, ऑल द फ्रोजन आइटम, इंडियन फ्रोजन आइटम्स आपको सारा मिल जाएंगे, रोटी वगैरह मिल जाएगी फ्रोज। ये देखो चीज़, जलपिनो वगैरह सब मिल जाएगा, प्लेन पराठा भी मिलेगा, देख रहे हो भाई सब कुछ। आलू टिक्की मिल जाएगी, वो देखो, ये देखो बन कबाब, समोसे का मतलब इसको फ्राई करना होता है तो वो भी मिल जाएंगे आपको। सो गाइस यहाँ पे ये जो फुल्ले वगैरह होते हैं घर के, खील वगैरह जो होती हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा एंड फ्लेवर्ड में भी मिल जाएगा। ये देखो प्राइस अभी नहीं दिखा पाऊंगा, जल्दी में हूँ, थोड़ा सा आम पापड़ वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर। सारे इंडियन के जो भी आपके सीरियल्स वगैरह, मसाले वगैरह और चुटपुट जो भी हम खाते हैं, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ये देखो मैंगो बाई टॉफ़ी, मखाने, सब कुछ आपको मिलेगा। ये देखो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी स्पाइसेस वगैरह सारी। ऑलमोस्ट एक तरीके से इंडिया में जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाय पत्ती से लेकर पराठे से लेकर समोसे से लेकर, सब कुछ इस इंडिया बाज़ार में मिलेगा आपको। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यू नो मेरे घर के सामने ही था ये, जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, तो आपको दिखा दिया। दालें भी आपको सारी मिल जाएगी, ये देखो कोई चीज़ बचेगी नहीं जो नहीं मिलेगी यहाँ पर। ये देखो छोले वगैरह भी, ये देखो मूंग दाल, मूंग होल, उड़द होल, और ये पीली दाल, सब आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखो छिलके वाली मूंग दाल छिलका, उड़द भी छिलका, उड़द गोटा, तूर दाल, मसूर की, सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो ब्लैक आई बीन, और ये देखो अलग अलग कंपनीज की मिलती है यहाँ पर, ऑर्गेनिक भी मिलती है, देखो ऑर्गेनिक भी है। और सबसे हमारी स्पाइसेस बिरयानी के लिए, फिश के लिए, सारी आपको स्पाइसेस मिल जाएंगी यहाँ पर। मुझे लग रहा है जो भी ब्रैम्पटन में रहते हैं इंडियंस, सारे यहीं से शॉपिंग करते हैं, और जहाँ भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सारे इंडियंस ही आ रहे हैं, और गाना भी इंडिया बज रहा है, गाना है कॉपीराइट गाना, आपको सुनाई दे रहा हूँ, कॉपीराइट ना आ जाए, तो इंडियन गाना बज रहा है 90s का है। तो MDH के सारे मसाले आपको मिल जाएंगे यहाँ, ये देखो सस्ते ही हैं $2 के सारे MDH के। MDH ने यहाँ भी धाक जमा रखी है, ये देखो सारे MDH के मसाले मिल जाएंगे यहाँ, ये देखो। ये देखो गुड़ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे देसी वाले, और ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल मिल जाएगा आपको, रेड लेबल की चाय, तो यहाँ सब मिलेगा, देख रहे हो, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सब कुछ, चाय पत्ती वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है, बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। एक मैंने लिया रोटी, प्लेन रोटी, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता फ्रोज़न, लेकिन इमरजेंसी के लिए अगर यू नो रोटी बनाना एक थोड़ा सा टास्क होता है, तो बना तो वैसे मैं लेता हूँ टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन फिर भी जिस दिन अगर नहीं बना पाया तो सस्ती थी तो इमरजेंसी के लिए मैंने ले ली रोटी। एंड पनीर ले लिया था, ठीक है 300 ग्राम पनीर है, और दो मैंने ले लिए थे ये 500 ग्राम के हैं, और इसमें एग्स हैं, ये वाइट एग्स हैं, तो इसमें आई बिलीव 8 एग्स होते हैं, में होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एग्स इसमें होते हैं, और दो ले लिए मैंने 24 के, तो ये मुझे ग्रोसरी पड़ गई $16 की। ये देखो
बैग्स पड़ गए 5 पैसे, मतलब 5 सेंट के, और पनीर पड़ गया $5 का, और जो मैंने एग्स लिए हैं वो पड़ गए मुझे 898 के, तो टोटल मेरा $16 बन गया। ये थी ग्रॉसरी शॉपिंग। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे विदा करिए। बताना मुझे कैसा लगा आपका व्लॉग, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे व्लॉग्स और बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कनाडा की मेरी जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी बहुत चीज़ें आपको दिखानी है, कॉलेज भी दिखाना है। मेरे पीटरबर्ग में मूव होने वाला हूँ, फ्लेमिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, तो वहाँ के व्लॉग्स भी आपको बहुत मैंने पूरे शिद्दत के साथ मैं दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कनाडा की बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड मेक इट बेटर बाई योरसेल्फ। आई एम साइनिंग ऑफ।